और चाहिए है हमें मिल्क में, ठीक है, बाउंड्री चॉकलेट के लिए हमें चाहिए डेसिकेटेड कोकोनट एंड मिल्क में, ओके, एंड डार्क चॉकलेट, मैंने डार्क चॉकलेट को क्या किया है, डार्क चॉकलेट ऐसे स्लैब्स में आता है, ऐसे स्लैब्स में आता है डार्क चॉकलेट, ओके, इसको मैंने छोटे छोटे पीसेस करके इसको माइक्रो ओवन में मेल्ट कर दिया। तो आप लोग क्या कर सकते हो, डबल बॉइलिंग भी कर सकते हो। डबल बॉइलिंग कैसे करते हैं, ना गैस में एक बर्तन में, एक छोटे बर्तन में पानी को उबालिए, उसके ऊपर एक और बर्तन रखिए, उसमें चॉकलेट दीजिए और गैस को, अगर आपके पानी ज्यादा उबल गए हो तो गैस को बंद कर दीजिए और उसमें चॉकलेट को देके स्पून से कॉन्टिन्यूस उसको ऐसे स्टार्ट करते रहिए तो वो चॉकलेट मेल्ट हो जाएगा। या फिर माइक्रो ओवन पे आप माइक्रो ओवन के टाइमिंग के हिसाब से 2 मिनट के टाइमिंग में आप दे सकते हो चॉकलेट, वो मेल्ट हो जाएगा। ज्यादा टाइमिंग देने से क्या होगा, जैसे मैंने यहाँ स्लैब्स को छोटे छोटे पीसेस में कट करके मैंने ऐसे मेल्ट कर लिया, देखिए ऐसे मेल्ट हो गया। ज्यादा टाइमिंग देने से क्या हो सकता है, चॉकलेट चॉकलेट जल सकता है, ये ध्यान में रखिएगा। और एक बात, ये कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए, ठीक है, अगर इसमें एक बूंद भी पानी पड़ेगा तो ये एक क्लाम बन जाएगा, मतलब इससे आप ऐसे फ्लो नहीं होगा, और ऐसे फ्लो नहीं होगा तो हमारा जो काम है वो नहीं होगा। तो चलिए पहले मैं आपको ये कट करके दिखा देती हूँ कैसे ये कट करते हैं, ठीक है, छोटे छोटे टुकड़े में इसको कट किया जाता है, जितने छोटे टुकड़े आप करोगे उतने अच्छे से मेल्ट होगा। और आनी पे ना करिए, अगर आनी पे रहेगा तो क्या होगा, आपका कुछ चॉकलेट जल्दी मेल्ट हो जाएगा और कुछ चॉकलेट नहीं होगा तो जो पहले मेल्ट हो गया वो जल जाएगा और जो नहीं हुआ वो बाद में होगा, तो इसलिए इसको इवेंटली इसको कट कीजिए। तो जैसे मैंने कहा कि मैं यहाँ ऑलरेडी मेल्ट करके रखी हूँ तो उसी से मैं शुरू करती हूँ। ये है बीबीसी बोल जो मैं दिखाई उसी में मैं आज स्टार्ट कर दी। पहले इस चॉकलेट को मैं यहाँ पे एक लेयर बनाऊंगी, ठीक है, एक शेल बनाऊंगी, उसके बाद उसको फिर से करूंगी। पहले मैं दिखाती हूँ कैसे मैं शेल बनाती हूँ। और हाँ, ये ठंडा होना चाहिए, रूम टेम्परेचर में होना चाहिए, ये गर्म नहीं होना चाहिए, गर्म होने से जब आप फ्रिज से निकालोगे तो ये मेल्ट हो जाएगा, ठीक है।
जम गया है, इसको मैं फिर से बॉईल मतलब गर्म करूंगी तो ये ठीक हो जाएगा।
बॉक्स में अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो प्लीज वो कमेंट्स में डालिए ताकि मैं समझ सकूँ कि कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो और क्लियर पिक्चर्स क्लियर आ रहा है ना तो वो भी मुझे बताइएगा सर.
अच्छा लग रहा है। Thank you.
एक वाइप से गर्म पानी लीजिए और गर्म पानी में वाइप्स को डुबा कर पीवीसी बोर्ड को साफ कीजिए। इससे इसका जो ग्लेज है ये बहुत दिन तक रहेगा। बाउंड्री चॉकलेट की फिलिंग्स में मैंने डेसिकेटेड कोकोनट, जो कोकोनट का प्रिजर्व कोकोनट आता है ना, वो शॉप में मिल जाता है, तो डेसिकेटेड कोकोनट दिया गया है। उसमें मैंने मिल्क मेट, जो मिल्क मेट होता है, मिठाई मेट होता है, वो दी। तो दोनों को मिक्स करके छोटा छोटा बॉल बना के, आप अगर बॉल वन कप वन मतलब टेबल स्पून अगर आप डेसिकेटेड कोकोनट लेते हो तो आप एक बड़ा चम्मच, ऐसे बड़ा चम्मच के एक बड़ा चम्मच आप मिल्क में लीजिए। उसको मिक्स करके उसको छोटा छोटा बॉल्स बना के उसको अंदर फिलिंग्स में दीजिए। बाउंड्री चॉकलेट यही होता है क्योंकि इसमें कोकोनट यूज होता है, इसलिए इसको बाउंड्री चॉकलेट बोला जाता है।
बन गया है, ठीक है, इसलिए इसको और फिर से अगर आपका पतला होगा तो आप फिर से ग्रीमिंग कर सकते हो, लेकिन ये ऑलरेडी ठीक बन गया है। अभी इसकी साइड का जो अनइवन पार्ट है इसको हम लोग ग्रीमिंग करेंगे। पिक्चर्स दे दूंगी, आज के लिए इतना ही। प्राइस उम्र के साथ बने रहिए।